अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो ये जो डिफरेंसेस है इसको अपने साथ नोट कर लें। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट डिफरेंस ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सेकंड डिफरेंस ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, यानी जितने भी मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स हैं, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, गॉल्जी एपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है एटसेट्रा, वो सब प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं। यूकैरियोटिक सेल में जो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, यानी जितने भी मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स हैं वो सब यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, मौजूद होते हैं। थर्ड डिफरेंस ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होते हैं वो स्मॉलर इन साइज होते हैं, 70S राइबोसोम होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होते हैं वो लार्जर इन साइज होते हैं, 80S राइबोसोम होते हैं। आई होप आप लोगों ने राइबोसोम को स्टडी किया होगा और आप लोगों को ये मालूम होगा कि 70S राइबोसोम क्या होते हैं और 80S राइबोसोम क्या होते हैं। फोर्थ जो डिफरेंस है वो ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल का जो सेल वॉल होता है ये बना होता है किस चीज से, पेप्टाइडोग्लाइकेन से, या इसको म्यूरिन भी कहा जाता है। और ये जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है ये किस चीज से बना होता है, ये कॉम्बिनेशन है अमाइनो एसिड प्लस शुगर का, यानी पेप्टाइडोग्लाइकेन अमाइनो एसिड प्लस शुगर से बना होता है। यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो प्लांट सेल का जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज से बना होता है और फंजाई सेल का जो सेल वॉल होता है वो काइटिन से बना होता है। सेलुलोज एंड काइटिन ये दोनों पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि काइटिन जो है इसमें NH2 ग्रुप अमाइनो ग्रुप जो है ये मौजूद होता है। फिफ्थ जो डिफरेंस है वो ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज होता है वो अप्रोक्सीमेटली 0.5 नैनोमीटर होता है और यूकैरियोटिक सेल का जो साइज होता है वो अप्रोक्सीमेटली 10 to 100 नैनोमीटर होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के जो एग्जांपल हैं वो बैक्टीरिया हैं और सियानोबैक्टीरिया। यूकैरियोटिक सेल के जो एग्जांपल हैं वो प्रोटिस्ट हैं, फंजाई हैं, प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं। तो ये थे डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।